राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में लगा रहा। अब हमें एक मत प्राप्त करना है अपनी महारानी केकई का। चलता हूं महारानी के केकई की भवन की ओर। सामने देख रहा हूं दासी चंदा, इस समय तुम्हारी महारानी कहाँ है जानना चाहता हूं। महाराज के चरणों में दासी चंदा का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज इस समय आप महारानी की खोज में हो? हाँ हाँ। महारानी इस समय कोप भवन में। कोप भवन सुन सकुच भय पथ कहे मृदुबानी प्राण प्रिया कहे तुरसान। हे मेरी प्राणेश्वरी, हे मेरी मृगनयनी, हमारी हृदय साम्राज्ञी प्रिय महारानी के कई क्या हो गया? आज समझ में नहीं आ रहा। राधे हे प्राण प्रिय है, ये क्या, ये कैसा वेश बनाया है? अब लंब बताओ महारानी, ये राज समझ नहीं आया है। बदली ने रंगत बदली है, काकुल का मन भी बचेला है। यदि कड़वी बोली हो, अगर तुमसे किसी ने कुछ कहा हो, यदि कड़वी बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। क्यों कोप भवन में लेटी हो? क्यों तुमको भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो सोला श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या उलझन है, क्या पीड़ा है, बोलो प्यारी मधुरी वाणी। मेरी प्राणेश्वरी चले जाओ यहाँ से। क्या हो गया? क्यों आए हो मेरे पास? मर जाने दो मुझे। नहीं नहीं, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा क्या हो गया? मैं कौन तुम्हारी होती हूं? क्या मुझे सताने आए? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए। मन में दुनिया में कौन किसी का है, सब मुख देखे कि तुम्हारी प्राण प्रिया कौन से इन दिनों की नाज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महारानी। परमाते हो क्या मांगती है? इस मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे सी भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा,
हाथों से बनवा देती है। चलो जाओ हटो नहीं, अरे चलो जाओ हटो नहीं, अरे बोलो पिया जी चलो। नहीं नहीं प्यारी, ए महारानी आज तुम्हारी ये दशा कैसी हो गई जानना चाहता हूं। मांग मांग पे कहो पिए कबहु देव न लेव, दान कहू वरदान तुई तब पाव संदेव। बस वरदान देने को कहा था आपने, बस दो वरदानों के पीछे इतनी बड़ी समस्या। हाँ तो सम्मान वांग कहे रानी, पूछो अपनी इन पटियों से जो सदा मांग का प्रेमी है, भरती हो जिसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा धर्म का राही हो, जो सदा धर्म। दो बार कोई चीज नहीं, दो बार कोई चीज नहीं, जितने चाहो ले लो रानी, बस उठ जाओ शोला श्रृंगार करो, बस वही बोलो मधुरी वाणी। झूठा है हमें दोस्त देहू और दुई के चार मांग नहीं कर। क्या भिख मांगे की पुत्री समझ लिया कि दो की जगह चार मांग लो है? अभी बस तो दो नहीं मिले, दो की जगह चार मांग लो। हाँ, मैं जान गई सब समझ गई है या नकली जोश। हाँ, मैं नकली जोश न दिखाए, चार मांग लो। मैं जान गई सब समझ गई है या नकली जोश। हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती हूँ पास नहीं, सस्तो आए राजा जी तुम पर मुझे विश्वास नहीं इन चिकनी चुपड़ी बातों में। महारानी उठो चार मांग लो बर्दा, जो भी चाहो से मांग लो, इन मीठी मीठी बातों में महाराज न मुझको बहकाओ, सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। वरदान के पीछे सौगंध खाने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? नहीं, अरे जब आज विश्वास समाप्त हो गया, जब पति पत्नी के बीच में विश्वास ही समाप्त हो जाए, फिर क्या रखा जीवन में? प्रिय महारानी विचार करता हूं, किस विश्वास के साथ तुमने गले में मंगलसूत्र पहना था, किस विश्वास के साथ हाथों में ये लाल लाल चूड़ियां पहनी थी, किस विश्वास के साथ मांग में सिंदूर भरा था, किस विश्वास के साथ पैरों में ये बिछिया पहने थे,
आज सारा विश्वास समाप्त हो गया। जब पति पत्नी के बीच में विश्वास समाप्त हो जाए तो वो घर नहीं है, घर एक कलह का केंद्र बन जाता है। फिर आज राम की सौगंध खाने के लिए मजबूर कर रही हो तो आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो चाहे अंबर पर टकराए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली मर्तबा उस पाक राम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। धन धन महाराज को है सच्ची आन, लो अब अपने मांगती हूँ तुमको है दो वरदान, अवश्य मांगो। सुनहु प्राणपति प्राणनाथ, पर अपना आज मांगती हूँ कौशल्या, नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनो प्राणपति भागवत जी का, देव एक बार भरत है टीका। आज अपना पराया कहां से हो गया? कह रही अपने बेटे भरत को निज सुत को राज मांग रही हो, क्या राम तुम्हारा बेटा नहीं है? अरे हमने तो महारानी राम भरत में कोई अंतर नहीं समझा। राम भरत मेरी दो आखी, सत्य कहो बेशक कर साक्षी। फिर भी अगर तुम कह रही हो तो लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत सन प्रीत, मैं बड़ छोट विचार कर करत रहो रुपनीत। मैं तो रघुवंश की परंपरा का निर्वाह कर रहा था, रघुवंश की परंपरा रही जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलरी सुहाई। हमारे राम को राज्य का लोभ नहीं है, ये वरदान हमने तुम्हें दिया। ए मस्तु अवस दूत में पटपों प्रातः, आवत वेग सुनत दो भ्राता, शुद्र शोध सब साथ सजाई, देव भरत कर राज बनाई। कल प्रातः काल अयोध्या का युवराज भरत को बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। रण जो की दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना, बर दूसर मांगहु कर जोरी। नहीं नहीं महारानी, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कर्जा है और कर्जा देना हमारा धर्म है, इसलिए हाथ न जोड़ो, ये तो तुम्हारा अधिकार है, तुम मांग सकती हो, मांगो। युवराज राम जो होता है तो राजा नहीं उदासी हो, फिर कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो, तापस वैश्य विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सचमुच प्यारी कहते हो तो प्यारी सन्मुख में खोलो, खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो, ए मस्त बोलो, बोलो ए मस्त बोलो, बोलो ए मस्त बोलो। माथे हाथ मूंद दोइलो जनी, तन धर लागी लागी जन सोचन। नहीं महारानी, ये दूसरा वरदान न भगु, तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो राम को 14 वर्षों के लिए बनवास भेज रही हो? नहीं महारानी, आज तुम जो वरदान मांग रही हो, इस वरदान की दूसरा कोई वरदान मांग लेती, लेकिन मैं विचार करता हूं अंतःपुर में जब तुम भरत को दूध पिलाती थी और यदि उधर से राम रोता हुआ आता था तो तुम भरत को गोदी से नीचे फेंक देती थी और राम को अपने गले से लगा लेती थी। महारानी, आज कहां गई वो बाकी ममता? संसार के लोग कहते हैं पुत्र पुत्र हो जाता लेकिन माता कुमाता नहीं होती। महारानी, सत सराय कहे ऊपर देना, जानो ले आई मांग छबेना, सच्चाई की सेखी हाँ की बर देने का इकरार किया, मैं तो सर्वस्व चाहती थी पर तुमने क्यों ना इनकार किया, अवला नारी की तरह महाराजा क्यों पछताते हो?
एक साधारण नारी की तरह रोने लग गए। समान राम मेरा उस पर इतना अन्याय न कहे, दूजा वर मांग के महारानी अब और क्रूर व्यवहार न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देव ना है, चरणों में तेरे बढ़ कर के बस इतनी भी मांगता है कि मेरे राम बेटा को बनेगा पठाओ। नहीं बरही अभी तो हमारी पुत्र मधु सीता के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। चला भरत की राहुल पूछना हुई, भरत तो तुम्हारे पास तुम्हारा भरत पुत्र नहीं है तो राम के लिए इतने रो रहे हो? अबला नारी की तरह महाराजा क्यों पछताते हो? बातें ही बातें हैं कोरी मुझको अब बहलाते हो। तन दिया तने धन व धाम इनको न चीज समझते हैं, जो सत्य निभाने वाले हैं त्रिया सब नहीं मचलते हैं। आप तो एक साधारण नारी की तरह रोने लग गए। नहीं नहीं दूसरा वरदान मत मांगो, मत मांगो। कैसे मर्द हो? कि मेरे राम बेटा को बनना पठाओ और कहा मान जाओ मेरा, कहा मान जाओ, कहा मान जाओ मेरा, कहा मान जाओ। राम बिना मैं जी जा सकूंगा, राम बिना प्याला पीना सकूंगा, विरह प्याला हृदय से ममता की गंगा बहाओ, हृदय से ममता की गंगा बहाओ। कहां बन जाओ मेरा, कहां बन जाओ। कई वाला नहीं मेरे राम को रहने दो। ओ बहुत कष्ट हो रहा है, कहे करो किन कोट पाया, यहाँ न ला गई राउर माया। कोट पाए कर लीजिए, यहाँ कोई माया व्याप्त नहीं हो सकती। वरदान जो मैंने मांगे हैं हर गति बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। हाँ यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती है, इन बूढ़ी आंखों के आगे पड़ रहे उपाय बताती है। बताऊ महाराज बात घरी में है, यहाँ कौन है? मैं हूँ गोराब। महाराज बात घरी में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, अपने मुंह से है कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। वाह आज मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए, आज तो तूने नारी की सारी हदें पार कर दी। अरे जैसे मैं फूलों का हार समझता था, आज तो वो काली नागिन निकली, आज तो तू अरे वो बीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। अरे रघुवंश की सुंदर चादर में काली मां लगा ले जाती है, रघुवंश की सुंदर चादर में। अरे काली मां नहीं आने देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर बचन नहीं जाने देंगे। आपने नीच बुद्धि वाली पुत्र मोह में इतने फंस चुके हो कि सब कुछ भूल चुके हैं। आज तक ना जाने कितने नामों से अलंकृत करते आए हैं आप, प्रिया मृग नैनी कमल नैनी, और आज नीच बुद्धि वाली एक साधारण औरत बना दिया। अगर आपने बना ही दिया है तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। होत प्रात मुनि भेषधर, होत प्रात मुनि भेषधर, जो न राम बन जाए तो और मरण राहुल अयस समझिए मन में। प्रातः होते ही राम 14 वर्षों के लिए बन नहीं गया तो मेरा मरण होगा और तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर बचन न जाए, याद रखना।
क्या कह रही हो, मर जाओगे? बिल्कुल, अयोध्या की हरी भरी वाटिका को उजाड़ने वाली तुझे मौत ही नहीं आएगी। तू ऐसे दिन काटेगी, मौत को बुलाएगी, अरे तो मौत भी तेरा ये कलंकी चेहरा देख करके लौट जाएगी। अरे मौत आएगी तो मुझे आएगी, तो ये राज भी ले, पाठ भी ले, कर्जा भी ले और दान भी ले। महाराजी, महारानी, महारानी मेरे प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। नहीं नहीं महारानी, राम राम जी मेरे दत्ति भवानु, बिन बिन ते हंग बिहंगी बिहानु, द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख। तुम कौन हो? मैं पूछने वाले कौन होते हो? कौन हो पहले ये बताओ। पूछना चाहता हूँ क्यों हो, कौन, कारण क्या है महाराज का जागरण? दरबार में तुम कैसे आए, यहाँ पर कौन हो पहले ये बताओ। मैं सुमंत हूँ। सुमंत? अवश्य। तुम सुमंत हो? अवश्य। अच्छा तो जाओ आना हो रहा, मैं बेग बुलाई समाचार सब पूछे आई, शीघ्र करो, राम को बुलाकर लाओ, जैसी सब, सब मालूम हो जाएगा। राम सुमंत नहीं आवत देखा, आदर कीन पिता। मैया का ये भेष, पिताजी मूर्छित अवस्था में माता धरती की गोद में सहन कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता। मैया आपके चरणों में आपका बेटा राम नमन कर रहा है। क्या जीवन का प्रथम दिन मैंने मैया को नमन किया, लेकिन मैया के द्वारा कोई आशीष नहीं, मुंह फेर लिया गया। बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं इस राम से कोई अपराध हो गया हो, जिस कारण मेरी माँ मुझसे बात करना भी पसंद नहीं कर रही हो। माँ, यदि आपके बेटा राम से कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो उस अपराध के बदले आप अपने बेटा राम को चाहे जितनी बड़ी सजा दे दो, ये आपका बेटा राम हर सजा हंसते हंसते स्वीकार लेगा। लेकिन मां मुझसे बेमुख मत हो, बस एक बार कह दो बेटा राम, एक बार कह दो मां। पिताजी देखिए आपका बेटा राम आपको बुला रहा है, बात क्या है, कुछ तो बोलिए। मंत्रीवर क्या हो गया पिताजी को? हे मे घेरा है या कोई विपदाई है? मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए? क्या मुझसे कुछ अपराधे हुआ जो मेरे पिता रिसाए? मैया पिताजी के दुख का कारण मुझे शीघ्र अवगत कराएं, मैं वही करूंगा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए, क्योंकि मैं पिताजी की ये स्थिति नहीं देख सकता। माँ नहीं देख सकता, मोहकाहू मां तो बोलिए ना, क्या हो गया पिताजी को? मैया
कारण एहू क्या मां राजा तुम पर बहुत स्नेह हां हां मां तुम्हारी पिताश्री तुम्हें बहुत बहुत स्नेह करते हैं हां मां वही स्नेह आज एक कारण बन गया लेकिन कैसे मां दैन कहो मोहि दो बरदाना मांगू जो कुछ मोहि सुहाना दो बरदान देने को कहा था जो हमें अच्छे लगे मैंने मांग लिए लेकिन मांगा क्या आपने पहले वरदान में मैंने अपने नैनों के तारे गोदी के दुलारे जीवन के रखबारे पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का विशाल राज्य मांग लिया अब तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं होगा मेरे भरत का राज्य अभिषेक होगा क्या मां हाँ आपने मेरे भैया भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया हाँ ये तो आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि मेरा भैया भरत धर्म व्रतों में पारंगत है हाँ हाँ संपूर्ण गुणवान है वो ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जो भैया भरत को अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया मैं भी यही चाहता था भरत प्राण प्रिय पावे राजू लेकिन द्वितीय वरदान में आपने क्या मांगा माँ बस यही तो विडम्बना है कैसी विडम्बना माँ दूसरे ही वरदान तो मांग लिया पहला तो सहर्ष दे दिया हाँ दूसरे वरदान में राम मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया बस यही सुनकर इनकी ये दशा है देखो प्रथम वरदान में आपने भैया भरत को अयोध्या का राज मांग लिया भैया भरत का आपने पूर्ण हित किया पूर्ण हित पूर्ण हित दूसरी वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग अति सुंदर वो पुत्र बड़भागी होते हैं जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखते हैं सुन जननी सोई सुत बड़भागी जो पितु मात बचन अनुरागी क्योंकि तनय मात पितु तोसन हारा दुर्लभ जननी सकल संसार माँ आप ही क्या संसार की कोई भी माँ हो हर माँ अपने पुत्र का हित चाहती है भला चाहती है सो मेरी माँ ने चाहा मेरा हित अयोध्या में नहीं समझा माँ ने अयोध्या में हित भैया भरत का समझा तो उसे अयोध्या का राज मांग लिया मेरा हित मेरी माँ जानती थी कि मेरे बेटा राम का हित अयोध्या में नहीं है मेरा हित कहाँ है मुनिगढ़ मिलन विशेष वन सबई भाग हित मोर वन प्रखंड में मेरा हित है ये मेरी माँ जानती थी इसलिए मेरी माँ ने अयोध्या का राज ना मांगकर मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया मुनिगढ़ मिलन विशेष वन सबई भाग हित मोर तहमा पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर लेकिन माँ जब आप ये सब जानती थी कि आपके बेटा राम का हित अयोध्या में नहीं बन प्रखंड में है जब आप मेरा संपूर्ण हित ही करना चाहती थी तो ये 14 वर्ष का समय क्यों दे दिया हाँ हाँ जब आप मेरा पूर्ण भला करना चाहती थी तो ये 14 वर्ष की अवधि क्यों दे दी यदि आपको मांगना था तो आप अपने बेटा राम के लिए आजीवन वनवास मांग लेती मैं सारा जीवन वन प्रखंड में ही यापन करता क्योंकि हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें तब जानेंगे हम दुख क्या है कुछ जीवन दुखी जनों में दे क्यों माँ आप मांगना ही चाहती थी राम मैया मैं तेरी क्या हूँ माँ अवश्य
और तू स्वयं कह रहा है कि मैं स्वयं विचारा करता था, थोड़ा समय बनो में दे। अब मेरी भी बड़ी इच्छा थी। तेरी इच्छा ये रहती थी कि थोड़ा समय बनो में दे, तो मैंने थोड़ा ही समय मांग लिया। और फिर दूसरी बात, इनकी दशा देख रहे हो, 14 वर्षों का वनवास तेरे लिए मांग लिया, तब तो इनकी ये दशा है। अगर आजीवन मांग लेती तो इनका क्या हाल होता। मैया, आपने मेरे लिए जो मांगा वही मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन क्षमा कर देना, क्षमा चाहता हूं। ना जाने क्यों आज प्रथम बार मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्षमा कर देना मां। थोड़े बात पिता दुख भारी, इतनी छोटी सी बात पर रकुल के सिंह इस तरह माता धरती की गोद में मूर्छित। नहीं मां, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बेटा राम से छिपाव कर रही हो। बात क्या है मां, सत्यता क्या है मां, ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी छोटी सी बात पर पिताजी का ये हाल, थोड़े बात पिता दुख भारी, होत प्रतीत न मोह मातारी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोलिए ना मां क्या बात है। राम, तुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्षमा कर देना। चलो विश्वास भी दिलाती हूँ तुझे, अगर हो जाए तो ठीक है। देख मेरी ओर, देख, तुझे विश्वास नहीं होता और मेरे ऊपर शपथ। तुम्हारा क्या भरत का आना, तेरी शपथ करके कहती हूँ, बस माँ भरत की आन है मुझे, कारण दूसरा मैं नहीं जाना। बस माँ मुझे आपकी बाड़ी पर पूर्ण विश्वास हो गया। यदि बात यही है, आपका आदेश मेरे लिए क्या है, क्योंकि चार पदारत करतल ताके प्रीपित माँ प्राण समझा के यदि आपकी अनुमति मिल जाए तो विदा माँ सन आबहु मांगी चलियो बने ही बहु। जाओ जाओ और जल्दी जाओ, मिल करके जल्दी से आना, मैं बलकर बस मगाती हूँ, अच्छा नहीं पहचाना, चिंता करो। समाचार जई समय सुनो सीए उठी अकुलाई, मैया सदन की ओर अग्रसर हो रहा था, मध्य में ही किसी के रोने की आवाज, अरे ये तो जानकी, सीते बात क्या है, तुम्हारे नेत्रों में ये आंसू, क्या बात है जानकी, बोलो जानकी बोलो। स्वामी जी बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जिस प्रकार इस शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो इसका कुछ महत्व नहीं रहता, अगर नदी में नीर ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। हे स्वामी अब लाज छोड़ कर कहती हो, चलो के संग चलूंगी मैं, नहीं यदि आप भभूति रमाएंगे, यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चले देता है तो शरीर का कल्याण का से ही समझे प्राण नाम, से ही समझे प्राण नाम, जब नाथ नहीं तो प्राण काम, हे नाथ इसलिए मैं आपके पास वन प्रखंड में चलना चाहती हूँ। क्या कहा जानकी, तुम मेरे साथ वन प्रखंड की ओर चलना चाहती हो? जी स्वामी, वन के विषय में तुमने सुना है, वन देखा नहीं है, वन कितना भयानक होता है और तुम हंस की तरह कोमल, वन में नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहा करते हैं, हंस गबन तुम नहीं बन जोगू। यदि ये समाज सुनेगा कि राम अपने स्वार्थ के लिए हंस की तरह कोमल जानकी को अपने साथ वन प्रखंड में ले गया
तो सुन अपयस, ये समाज मुझे अपयस देगा, धिक्कारेगा, मोह दे यही लोगों, क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बिहारी, राज महलों में रहो, सास ससुर एवं गुरु चरणों की सेवा करो, क्योंकि नारी का परम कर्तव्य यह ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जानकी, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मजली माने यह नहीं कहा जाएगी सीता भीवन में, यदि तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन पर जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। मान गई होगी जानकी? सुनो, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा, सिंहिनी सिंह के साथ रहे तो उसको दरिया भय कैसा। समझ गया, तुम मुझसे बिलग होकर नहीं रह पाओगी, ठीक है जानकी आओ तुम मेरे साथ वन प्रखंड की ओर से। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलग पदन उठ जाए, कंप पुलक नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। लक्ष्मण, बात क्या है? कुछ समय पहले तुम्हारा आगमन हुआ था, बड़े प्रसन्न थे, लेकिन अब तुम्हारे नेत्रों में आंसू, क्रोध से ये नेत्र लाल पीले, बात क्या है लक्ष्मण, बोलो। भैया, ताक ये सेवक केवल एक निवेदन करने के लिए आया है। कहो लक्ष्मण। आप वन यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं? हाँ लक्ष्मण। तो क्या सेवक को आप इस वन यात्रा में शामिल नहीं करें? क्या कह रहे हो लक्ष्मण, शांत हो जाओ, यदि तुम मेरे साथ वन प्रखंड की ओर चले गए तो अनर्थ हो जाएगा लक्ष्मण, क्योंकि मैं बन जाऊं तुम्हें साथा, होए सबई विद अवध अनाथा, ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। भैया, भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, यदि तुम अयोध्या में रहोगे तो समय समय पर माता पिता एवं गुरु की सेवा और समय समय पर समस्त प्रजावासियों की देखरेख होती रहेगी लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन प्रखंड जाने के लिए ना कहना लक्ष्मण। भैया, हे प्रभु, आप ये कैसा उपदेश दे रहे सेवक को? ये उपदेश क्या इस सेवक के लिए सार्थक है? नहीं, ये उपदेश तो उनके लिए सार्थक है जिन्हें इस लोक में कीर्ति और परलोक में मुक्ति की आशा हो। भैया, मुझे तो सिर्फ इन चरणों की सेवा चाहिए। आपने जो उपदेश हमें दे डाला कि अयोध्या में रहकर के माता पिता की देखभाल करो, हे प्रभु, आपने एक शब्द कहा कि अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा। भगवान, ये अयोध्या आपके जाने से अनाथ हो रहा है, हमारे जाने से अनाथ नहीं होगा, क्योंकि अवध के नाथ तो आप हैं। हे अवध नाथ रघुनाथ, हमारा साथ ना छोड़ो, मैं जोड़ रहा हूँ हाथ, हमारा हाथ ना छोड़ो, हमारा हाथ ना छोड़ो, क्योंकि गुरुपित मात ना जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पत आहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंद और अंतर्यामी, फिर मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परचायक या चक पायक इन चरणों का हूँ, भाभी स्वामिनी माता जो कुछ है जनक दुलारी हैं, भाई सखा पिता बंधु जो कुछ है अवध बिहारी हैं, हाँ हाँ भैया, इतने पर भी सेवा से दूर रहे तो निष्फल ये भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदाप चरण चाहिए, प्राण छूट जाए, हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें याद नहीं, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? समझ गया लक्ष्मण कि तुमने जो हट ठानी है वो तुम पूर्ण करके ही रहोगे, समझ गया तुम उससे दूर होकर एक पल चैन से नहीं रह पाओगे, आओ मैया चरणों में प्रस्तुत हुआ जाए, जैसा आदेश वैसा काम। बंद राम सिय चरण सुहाए, चले संगी नृप मंदिर आए, मैया आपका बेटा राम आपके चरणों में प्रस्तुत होना चाहता है, माँ कहे मेरे लिए क्या आदेश है, बोलिए। राम ले आया क्या? तब विलंब मत करो, इन्हें मत देखो, समय जो राज्य अभिषेक का था
वही समय बन जाने का है। ये क्रीट मुकुट राशि मुंडपट भूषण भाजन आनी आगे धर बोली मृदवानी। जाने अनजाने में यदि आपके बेटा राम से कोई अपराध हुआ हो, भूल हुई हो, तो मेरी भूल को भुलाकर विनय को स्वीकार करें मां। हम पर अपने पवित्र हाथों जय हो मां आपकी, जय हो, आपका आशीष मिला। मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। मैया, यदि जीवन रहा तो 14 वर्ष की अवधि वन प्रखंड में व्यतीत करके पुनः आपके चरणों में लौट कर आऊंगा। शेष जीवन आपके साथ ही यापन करूंगा। विदा चाहता हूँ माँ, आशीष देकर अपने बेटा राम को विदा करें माँ, विदा करें माँ, विदा करें। आओ जानकी, आओ लक्ष्मण, अपनी यात्रा प्रारंभ करें। बड़ा प्रसन्न हूँ माँ, बड़ा प्रसन्न हूँ मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। बस जरा सा कष्ट है आपके बेटा राम को, थोड़ा सा कष्ट है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्रातः ही भैया भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाना है और प्रातः ही मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। थोड़ा सा समय होता मां तो मैं अपने भैया भरत को अपने हाथों से राजा बनाता, अपने भैया भरत का अपने हाथों से तिलक करता, लेकिन क्या करूं मां, समय का चक्र जो हम पर चला, भैया भरत मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे राज तिलक में सम्मिलित ना हो सका, ना हो सका, ना हो सका। समय ने हमारा साथ ही नहीं दिया भैया भरत, मैं तुम्हें राजा बनता ना देख सका, ना देख सका। ये समय साथ देता अपने कर से तिलक लगाता, रामो बनो जाता है तुरत मुनि भेष बनाई चले जनक जननी शरणाया। देखो तो लक्ष्मण, ये समस्त प्रजावासी हमारे साथ साथ वन प्रखंड की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन नहीं, समस्त प्रजावासियों, मैं जानता हूं जिस तरह राज महलों में तीनों माताएं, पिताजी, पिता तुल्य प्यारे मंत्रीवर हमें प्राणों से अत्यधिक लाड़ किया करते हैं, ठीक उसी तरह आप सब हमें प्रेम किया करते हैं, लेकिन क्या करूं, आज मेरे प्रत्यक्ष में ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे आप सबको छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबको अपने साथ नहीं ले चल सकता,
आपको वचन दे रहा हूं कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि जीवन रहा तो लौटकर आप सबके साथ अपना शेष जीवन यापन करूंगा। आप सब यही रहे, आप सब मेरे लिए क्यों कष्ट सहेंगे? मुझे माता और पिताजी के द्वारा वनवास दिया गया है। अरे 14 वर्षों की ही तो बात है, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं लौटकर आऊंगा। आप मेरे साथ वन प्रखंड की ओर ना चले, ना चले अयोध्या में। आओ लक्ष्मण, हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। ये पिताजी किया क्या पालन करेंगे हमें ही क्या? संसार के सभी पुत्रों को अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखना चाहिए। ये पिताजी किया क्या पालन करेंगे कि 14 वर्ष हम बनों में रहे। पिताजी किया क्या पालन करेंगे, पिताजी किया क्या?